हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाटर बैरियर्स के बारे में। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टोन डस्ट बैरियर्स क्या होता है, स्टोन डस्ट बैरियर्स के बारे में पढ़ा था। ये कहाँ यूज़ होता है स्टोन डस्ट बैरियर और वाटर बैरियर? ये यूज़ होता है माइन एक्सप्लोजन फायर्स को कंट्रोल करने के लिए। क्रॉस सेक्शन रोड वे में इसको यूज़ करते हैं, लगाते हैं इसको। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं वाटर बैरियर्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है? सिंस अर्ली 1960 वाटर बैरियर आल्सो कॉल्ड द वाटर ट्रफ बैरियर्स आर बीइंग यूज्ड एज ए अल्टरनेट टू स्टोन डस्ट बैरियर्स फॉर सेपरेशन ऑफ कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन। जो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन है उसको सेपरेट करने के लिए, सेपरेशन के लिए, उसको दबाने के लिए स्टोन डस्ट के अल्टरनेट में वाटर बैरियर यूज़ किया जाता था 1960 के आसपास। लेकिन आजकल ये वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। एट प्रेजेंट वाटर बैरियर आज वाइडली यूज इन जर्मन कोल माइंस और ऑल्सो, ठीक है, इंडिया में भी यूज़ होता है ये इस टाइप से। परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ द वाटर बैरियर कैरीड आउट, इसके लिए इसको छोड़िए। ठीक है, यहाँ देखिए, इन क्वेंचिंग एक्सप्लोजन फ्रेम वाटर बैरियर्स आर रफली इक्वलेंट टू स्टोन डस्ट बैरियर। ठीक है, यानी ये लगभग स्टोन डस्ट बैरियर के बराबर ही होता है इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। और कैंपिंग एक्सप्लोजन यानी एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए 200 लीटर्स ऑफ वाटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ रोडवे क्रॉस सेक्शन हैज़ द सेम इफेक्ट ऑफ 400 केजी स्टोन डस्ट बैरियर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, जर्मन सेल्स में यानी स्टोन डस्ट बैरियर में दो टाइप के सेल्स यूज़ करते थे हम। ठीक है, पॉलिश सेल्स और जर्मन सेल्स। तो जर्मन सेल्स के बारे में बताएं। सेल्स मीन्स है एक के ऊपर एक जो सेल्स बने रहते हैं ना स्टोन डस्ट रखने के लिए, वैसे ही वाटर को भी रखने के लिए सेल्स होते हैं। तो ये दो 200 लीटर का जो वाटर पर स्क्वायर मीटर में जो यूज़ होता है वो 400 केजी इक्वलेंट टू 400 केजी स्टोन डस्ट बैरियर के बराबर होता है। ठीक है, एडवांटेज ओवर द वाटर, एडवांटेज ऑफ वाटर ओवर स्टोन डस्ट बैरियर, क्या क्या एडवांटेज है? इट्स अबाउट 5 times दैट ऑफ डस्ट। ठीक है, यानी 5 times मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसकी कैपेसिटी होती है 5 गुना ज़्यादा। एफिशिएंसी नॉट इफेक्टेड अंडरग्राउंड क्लाइमेट कंडीशन, इसकी एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं करती। क्या कंडीशन है? ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है? ठीक है, हीट क्या है या एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी क्या है, अंदर का क्या क्लाइमेट है। ठीक है, क्लाइमेट मीन्स है टेम्परेचर कम ज़्यादा है या वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ईजीली अवेलेबल इन ऑल माइन रोडवेज, सभी जगह ईजीली अवेलेबल रहता है वाटर तो। ठीक है, वाटर बैरियर में क्या वाटर यूज़ करते हैं, तो वाटर जो है सभी जगह अवेलेबल होता है। कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ वाटर बैरियर, क्या क्या कंस्ट्रक्शन फीचर है? कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वाटर फील्ड थ्रू ट्रफ और कंटेनर फॉर सुटेबल मटेरियल सपोर्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल शेल्स इन द विग्निटी ऑफ माइन रूफ। जो माइंस रोडवे होते हैं उसके ऊपर जो माइन रूफ होती है, जो रोडवे पर रूफ होती है, तो रूफ में जो खाली जगह रहती है ऊपर, उस पर इस कंटेनर को आपको पानी से फिल्ड करके, ठीक है, रखते हैं। दी कॉन्सिस्ट कंटेनर शेटर ब्रस्ट अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ वेव्स शॉक वेव्स अहेड ऑफ द प्रोपगेशन फ्लेम एंड एक्सप्लोजन रिलीज एंड डिस्पर्स वाटर इन ऑल डायरेक्शन इन द पाथ ऑफ द एक्सप्लोजन फ्लेम। ठीक है, जो कंटेनर्स रहते हैं या शेटर जो क्या बोलते हैं आपका कंटेनर्स रहते हैं वो शटर हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं या फिर आपका टूट जाते हैं। ठीक है, कैसे टूटते हैं? ये शॉक वेव्स, जो एक्सप्लोजन की जो शॉक वेव्स होती है, ठीक है, उसके कारण इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इससे शटर्स होते हैं ना, अलग अलग वो टूट जाते हैं। ठीक है, और वाटर जो है, ठीक है, डिस्परिंग वाटर इन ऑल डायरेक्शन है, तो टूटेगा तो पानी है सभी जगह पर फैल जाता है और फैलता है एक्सप्लोजन का जो पाथ है उस पर सभी जगह रोडवे पर फैल जाता है, यानी शॉक वेव्स के थ्रू ये टूटता है
अर्थ के टूटने से जो भी पानी, जो वाटर इसमें कंटेनर वाटर जो था वो सभी जगह फैल जाता है। टाइप्स ऑफ द वाटर बैरियर आगे देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, टाइप वन और टाइप टू, डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ द सपोर्ट। ट्रफ टू टाइप्स ऑफ बैरियर हैज़ बीन अप्रूव। मेथड ऑफ सपोर्ट यानी कि किस पे सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे दो टाइप के होते हैं। टाइप वन थ्रो द सपोर्टेड विद देयर टोटल अपर लिप सरफेस रेस्टिंग ऑफ ट्रांसफर सपोर्टिंग फ्रेम, यानी फ्रेम के ऊपर पूरा का पूरा जो कंटेनर है ऊपर रखा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइप वन। और टाइप टू में ट्रफ आर प्लेस ओवर ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इसमें क्या रहता है, ऊपर पूरा रखा नहीं रहता है, इसमें लटका रहता है बार से, बार सपोर्ट देके इसको लटकाता है। ये देखिए आप इस टाइप से, ये दिया हुआ वाटर बैरियर, ये देखिए सामने वाला फ्रंट वाला ये लटका हुआ, ये टाइप टू हो गया, ठीक है, ये ऊपर ये टाइप वन हो गया रखा हुआ। तो ये डिस्टेंस कवर करते हुए, 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हुए ये रोड वे पे ये लटके रहते हैं या रखे रहते हैं, ठीक है। इसका देख सकते हैं टाइप वन टाइप टू, ठीक है, ये क्या है आपका टाइप वन टाइप टू में, ये देखिए टाइप वन है और ये टाइप टू है। टाइप वन में क्या है, ऊपर क्रॉस सेक्शन बार से ये सपोर्ट किया हुआ क्रॉस सेक्शन बार, और टाइप टू में ये बार के ऊपर रखे हुए, सेल्स के ऊपर रखे हुए, ठीक है। नेक्स्ट है शटरिंग ऑफ वाटर ट्रफ इन इन्फ्लुएंस बाय, ठीक है, अब जो किस चीज़ से वो होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, शटरिंग ऑफ वाटर इन टूटता है, इसका क्या रीज़न है, कैसे टूटता है, इसे क्या डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डायनामिक प्रेशर फर्स्ट है, यानी इंटेंसिटी क्या है प्रेशर की, डायनामिक प्रेशर जो आ रहा है एक्सप्लोजन का, फ्लेम का, ठीक है, एयर किस प्रेशर से उसको, ठीक है, धक्का दे रही है या सपोर्ट, यानी ठीक है, उसकी इंटेंसिटी प्रेशर यानी एयर प्रेशर पर डिपेंड करेगा ये चीज़, मैग्नीट्यूड ऑफ डायनेमिक प्रेशर। ट्रफ मटेरियल यूज़, किस टाइप का ट्रफ में मटेरियल यूज़ किया, हार्ड है कि सॉफ्ट है, ठीक है, जल्दी टूटने वाला है ना कि क्या है, ठीक है, वीक है, इस टाइप से इस पर डिपेंड करेगा मटेरियल जिस पर भी बना हुआ ट्रफ। ट्रफ शेप, इस पर शेप पर भी डिपेंड करेगा। मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड थ्रो लिड ए कवरिंग, ठीक है, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन कौन सी मेथड अप्लाई की गई है, ठीक है, ट्रफ लिड और कवरिंग किस तरह से उसको कवर किया गया। ट्रफ मेड ऑफ द सर्टेन वेराइटीज ऑफ हार्ड पीवीसी, ठीक है, फॉर्म पॉलिश स्ट्रॉइड स्ट्रॉल हैव बीन फाउंड मोस्ट सुटेबल, ठीक है, पीवीसी या पॉलिश स्ट्रॉइड का बना होना चाहिए। दे आर इजीली शटर्ड हो जाता है लो विंड में, ठीक है, थोड़ी सी हवा चली या प्रेशर पड़ा तो इजीली शटर्ड हो जाता है, और गुड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, गिविंग गुड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर वेरियर, किस टाइप का डिज़ाइन होते, देखो ट्रफ मस्ट बी डिज़ाइन सो दैट दे मेंटेन देयर शेप, ठीक है, इन इस तरह डिज़ाइन होना चाहिए कि उसका शेप मेंटेन रहे, ठीक है, आड़ा तिरछा ना हो उसके पानी भरने से। ट्रफ विथ अप्रूवल सर्टिफिकेट शुड ओनली बी यूज, ठीक है, इट शुड ओनली बी अप्रूव्ड। मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ट्रफ इन रोडवे क्रॉस सेक्शन एक्सरसाइज इन ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ शटरिंग ऑफ ट्रफ, ठीक है, किस तरह से क्या मेथड अप्लाई की गई है इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शन रोडवे में इसको किस तरह से मेथड अप्लाई की गई इस पर डिपेंड करेगा आपका शटरिंग। ट्रफ प्लेस विथ देयर लॉन्गर एक्सरसाइज एट राइट एंगल ऑफ द रोडवे एक्सिस ऑफ अ ग्रेट फ्रंटल एरियाज, ठीक है, यानी कि जिस इसमें बताया गया, देखिए इस तरह से वो लगे होना चाहिए इस तरह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर कवर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आएगा और शटरिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। ट्रफ प्लेस विथ देयर लॉन्गर, ठीक है, ये हो गया। ट्रफ सपोर्टेड इन रोडवे विथ देयर एजेस रेस्टिंग ऑन द ट्रेवर्स सपोर्टेड फ्रेम हैज़ बीन फाउंड टू
शटर इजीली देन रफ सपोर्टेड ऑन ट्रांसफ़र बार्स, यानी इस तरह से होना चाहिए कि जो सपोर्ट कर रहा है वो इजीली उस पर यानी एक्सप्लोजन का इफेक्ट पड़े, ठीक है, प्रेशर पे अटैक करे, जल्दी इजीली शटर हो जाए। तो रूल्स ऑफ इरेक्शन ऑफ द वाटर बैरियर क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, ये दिया गया है। वाटर बैरियर मस्ट कंटेन ऑल द माइंस एटलीस्ट 200 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, कम से कम 200 लीटर वाटर होना चाहिए, ठीक है, एक वाटर बैरियर में पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है, एक स्क्वायर मीटर में जो यूज़ किया जा रहा है उसमें 200 लीटर्स एटलीस्ट वाटर होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एटलीस्ट 5 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू शेल्स मस्ट बी एटलीस्ट 1.2 मीटर, दो सेल्स हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर होना चाहिए। स्पेस बिटवीन द लिप ऑफ एडजेसेंट ट्रफ कैरीड बाई सेल्फ मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 1.2 मीटर एंड टोटल स्पेस बिटवीन ट्रफ एंड टो ऑफ द ट्रफ मस्ट नॉट बी एक्सीड 1.5 मीटर, ठीक है, यानी 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए स्पेस जो है, और 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द आउटर ट्रफ ऑफ रो एंड रोडवे साइड और रिब मस्ट नॉट एक्सीड 1 मीटर, ओके, ये आगे देखते हैं। बॉटम ट्रफ मस्ट बी एट ए हाइट एट द हाफ ऑफ द रोडवे हाइट बट नॉट एक्सीड 2.6 मीटर, ठीक है, हाइट पे होना चाहिए लेकिन इसकी हाइट जो है 2.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये आगे इतना वो नहीं है, ठीक है। ट्रफ मस्ट कैरी एटलीस्ट 70 लीटर्स ऑफ वाटर, ये देख लीजिए जो ट्रफ रहता है कम से कम 70 लीटर पानी कैरी करना चाहिए। एट ऑल प्लेसेस वेयर बैरियर आर इंस्टॉल्ड वाटर फ्रॉम द वाटर पाइप मस्ट बी अवेलेबल, ठीक है, वाटर पाइप्स अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पे इंस्टॉल किया गया है वाटर को फिल करने रिफिल करने के लिए। वाटर होसेस होस मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है, वाटर होस जो रहता है वो भी रहना चाहिए। वाटर बैरियर मस्ट बी लोकेटेड एटलीस्ट 100 मीटर अवे फ्रॉम द स्टोन डस्ट बैरियर, कम से कम 100 मीटर दूर रहना चाहिए स्टोन डस्ट बैरियर। डिस्टेंस बिटवीन द बैरियर मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 200 मीटर, ओके, इन गेट रोड पे एंड 400 मीटर इन मेन रोड पे, ठीक है, दो बैरियर्स के मीटर बीच की डिस्टेंस 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 400 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फेलियर ऑफ वाटर बैरियर, अभी क्यों फेलियर हो जाते हैं, इसका रीज़न है वाटर बैरियर कैन बी इंफेक्टेड व्हेन एक्सप्लोजन इनिशिएटेड क्लोज टू और फार फ्रॉम द फॉर द बैरियर लेस देन 40 मीटर, ठीक है, एक्सप्लोजन इनिशिएटेड जो एक्सप्लोजन इनिशिएट हुआ है वो बहुत दूर है वाटर बैरियर से, यानी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा एक्सप्लोजन का तो वाटर बैरियर काम नहीं करेगा। When explosion initiated by weak ignition sources resulting in the weak slow moving explosion with flame speed less than 76 meter per square, ठीक है, इसकी फ्लेम स्पीड जो एक्सप्लोजन में क्या होता है, आग निकलती है, ठीक है, आग के साथ साथ एयर का भी प्रेशर होता है, तो अगर वो वीक है तो भी वाटर बैरियर काम नहीं करेगा। When explosion is very strong violent, ठीक है, so that time lapse between the arrival pressure waves at the barrier is too short, ठीक है, to dispense water into the roadway cross section, ठीक है, बहुत ज़्यादा strong है explosion, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसके कारण जो प्रेशर वेव्स आ रही हैं उसका जो अराइवल है यानी वो जो आ रही है प्रेशर वेव वो क्या है वो प्रॉपर डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे, जो शॉक वेव वर्क नहीं कर पाएगा, एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत
तो वो क्या है उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आग लग जाएगी तुरंत में, तो वाटर का उतना इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा जिस हिसाब से एक्सप्लोजन में। ये चीज़ें हैं।